साथियों, तृणमूल के सिंडिकेट का आंखों देखा हाल बताने वाला एक टैप पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यू टाउन से कैसे कंस्ट्रक्शन का सिंडिकेट विकसित हुआ, कैसे हावड़ा सहित पश्चिम बंगाल के अनेक शहरों को भाईपो सर्विस टैक्स ने बेहाल कर दिया, ये पूरे देश ने सुना है। हालात ये है कि सड़कें पानी से भरी रहती है और घरों में पानी आता नहीं है। गंदा पानी पीने से यहां के बच्चों में हैजा जैसी बीमारियां आम हो गई है। गंगा किनारे भी लोग प्यासे हैं, ये कहावत दीदी सरकार की दुर्नीति ने सही साबित की है। केंद्र सरकार ने यहां के सीवेज सिस्टम को ठीक करने के लिए पैसा भेजा, लेकिन वो भी सिंडिकेट की भेंट चढ़ गया। यहां के मिडिल क्लास को कंस्ट्रक्शन माफिया से बचाने के लिए केंद्र सरकार रेरा कानून लेकर के आई। पूरे देश में कानून लागू हो गया, लेकिन दीदी ने रियल एस्टेट माफिया के दबाव में रेरा कानून भी यहां लागू नहीं होने दिया। हमने झुग्गियों में रहने वाले गरीबों के लिए पीएम आवास शहरी के तहत लाखों घर स्वीकृत किए गए, लेकिन तोलेबाजों ने वो भी लटका दिए। माननीय दीदी, ओ दीदी, रोड़े अटकाने का आपका ये खेला अब बंद होने वाला है। 2 मई के बाद डबल इंजन की सरकार हावड़ा सहित पूरे पश्चिम बंगाल में आशोल परिवर्तन के लिए काम करने आ रही है। बीजेपी सरकार की पहली ही कैबिनेट बैठक में गरीबों, कृषकों, मजदूरों और मिडिल क्लास को राहत देने का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना का लाभ हो या फिर कृषक परिवार को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ, ये सुनिश्चित किया जाएगा। दीदी ने कृषकों का जो टका बीते 2-2.5 साल तक रोका है, वो भी हर कृषक के बैंक खाते में सीधा जमा किया जाएगा। भूमिहीन कृषकों और मछुआरे साथियों को भी सीधी मदद देने का संकल्प यहां बंगाल भाजपा ने लिया है।